हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द गार्डन पाथवे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द गार्डन पाथवे में। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिग प्लांट, हिंदी में कहते हैं अंजीर प्लांट। यह एक बरगद जा गूलर की प्रजाति का पौधा है जो कि हमारे आसपास के परिवेश में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। फिग प्लांट की आज हम बात कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि क्योंकि अभी सर्दियों का समय चल रहा है और अगर आपके आसपास अंजीर मिल जाता है या उसकी कटिंग मिल जाती है तो उसको आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से उग जाती है और जिसकी कलम तैयार करके आप लगा भी सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 4-5 तो अंजीर की कटिंग लगा रखी है और उसको कैसे लगाना है इसका वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप नॉर्मली जैसे गुलाब की कटिंग लगाते हैं उसी तरीके से इसको भी आप लगा सकते हैं। और इसको जहाँ से इसमें मतलब आँखें मतलब जहाँ से इसकी गांठ होती है उस गांठ को 3 से 4 इंच अंदर डाल दीजिए मिट्टी में, तो वो अच्छे से पकड़ लेता है। और ये आप देख सकते हैं एयर लेयरिंग के ज़रिए भी हम अंजीर के पौधे को उगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं कि इसकी जड़ भी आ चुकी है। और इसको जल्द ही इसको काट के दिखाएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आप बिना पौधे को डैमेज किए ही अंजीर का पौधा तैयार कर सकते हैं। तो अंजीर में मुख्यतः अगर हम इसको बात करें तो इसमें लगभग अगर जो हमें मार्केट में अंजीर प्राप्त होता है उसमें 12 से 22% तक इसमें शुगर की मात्रा नहीं होती है, उसमें लगभग 62% शुगर की मात्रा होती है। और जो पका हुआ अंजीर होता है उसमें लगभग 22% आपको शुगर की मात्रा होती है। तो जो मार्केट में अंजीर मिल रहा है वो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी ज़्यादा शुगर है, मतलब शर्करा है। और जो हम फ्रेश अंजीर खाते हैं वो हमारे पेट के लिए और हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इसमें विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। खासतौर से पेट और आंतों के लिए अंजीर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्त्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसमें विटामिन्स हैं और जो कि छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे फ़ायदेमंद है। डेली सेवन करने से अंजीर का आपको ज़रूर एक नया फ़ायदा मिलेगा। और इसकी मिट्टी की बात करें और पौधे के गमले की बात करें तो 8 से 10 इंच के गमले में आसानी से लग जाता है और आप देख भी सकते हैं कि और मिट्टी इसकी ऐसी होनी चाहिए कि पानी डालें तो उसका पानी रुके ना, निकल जाए, क्योंकि इसकी जो जड़ है काफ़ी तेज़ी से फैलती है और वो आपको लगभग 1 साल बाद उसको आपको गमले को चेंज भी करना पड़ेगा। और इसकी मिट्टी में आप टाइम टाइम पर वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और सी वीड, और अगर इन ऑर्गेनिक तरीके से लगा रहे हैं तो आप उसमें यूरिया, DAP वगैरह दे दे के आप उसमें अच्छे से फल ले सकते हैं। और ये काफ़ी जल्दी फ्रूटिंग देना चालू कर देता है, जैसा कि आप हमारे वीडियो में भी देख सकते हैं। अंजीर की केयर थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक फल देने वाला पौधा है, तो और फल तो तभी प्राप्त होता है जब आप उस पर मेहनत करेंगे। तो लेकिन ये इतनी मेहनत नहीं करनी है कि आप सेब के फल के समान आप लगे पड़े हो तब जाके 1 साल बाद, तो इसमें ऐसा नहीं है। ये साल के लगभग 8 महीने तक फल देता है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें फल आना भी चालू हो चुके हैं। और ठंडियों में इसमें फल जो हैं वो कम आते हैं, मतलब ये मान के चलिए कि 3 से 4 महीने इसमें फल कम आते हैं, इसके बाद लेकिन ये पूरे सीजन फल देता है। और धूप और की बात करें तो इसमें ये नेचर फ्रेंडली, मतलब धूप अगर इसमें है पड़ रही है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें अच्छे से इसमें फल आते हैं। और इसमें बस पानी आप बराबर मात्रा में देते रहिए ताकि इसकी जो रूट है वो सूखे ना, ऊपर से एक बार मिट्टी को अपने हाथों से टच करके देखिएगा। और इसमें रोग की बात करें तो इसमें पत्ते ऐंठने का रोग आता है, जिसको दूर करने के लिए आप इसमें बीच बीच में कभी कभी क्या होता है कि पानी की मात्रा अगर ज़्यादा हो रही, पानी रुक रहा है तो भी इसके पत्ते ऐंठते हैं। या ये भी हो सकता है कि जैसे कि ठंड है, ठंड में भी हम पानी दिए जा रहे हैं लेकिन मिट्टी को उसकी नीड नहीं है तो भी इसके पत्ते ऐंठते हैं। तो और इसके पत्ते को अगर आपको हटाना है तो मतलब ऐंठने जो ऐंठ जाते हैं, जो सिकुड़ने लगते हैं पत्ते, उसको अगर रोकना है तो उसके लिए आपको समय समय पर कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि आप नीम खली पाउडर या सीविट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप देख सकते हैं कि हमने इसको एयर लेयरिंग के जरिए इस पौधे को तैयार किया था। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए नए जोश और उल्लास के साथ। तब तक के लिए आप भी अपने घर पर कोशिश करिए कि अंजीर का पौधा कैसे लगाएं। तब तक के लिए राम राम, नमस्ते।